Hello and welcome back to the channel, everyone. The Indian Express Group recently hosted the 16th edition of the Ramnath Goenka Awards for Excellence in Journalism. ये award ceremony Delhi में 22 मार्च 2023 को हुई. इस award ceremony की खास बात ये थी कि Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, was the chief guest. Raj Kamal Jha, जो के editor-in-chief हैं, The Indian Express के, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे शब्द कहे. He said, the evening was a very special story. 37 pieces of powerful reporting from 27 newsrooms, two books that enriched our understanding of what shaped India, and a wonderful applause that cuts across party lines. आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो किताबों के बारे में बात करेंगे. हर साल रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड इट ऑनर्स राइटर्स ऑफ बुक्स हुज वर्क ऑफर्स थ्रू रिसर्च, एक ऐसी रिसर्च जो इन्वेस्टिगेशन पर हो, जो एक ऐसी रिसर्च कोई इश्यू को लेकर, आइडिया को लेकर ऐसे की जाए जिसको के न्यूज़पेपर या टेलीविजन चैनल्स स्केल नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस. और ये अवार्ड सेरेमनी थी 2019 और 2020 एंड इट वॉज हेल्ड ऑन 23rd of March. अरुण मोहन सुकुमार और तिपुर दमन सिंह, इनको अपनी किताबों के लिए ये प्राइस दिया गया. पहले अरुण मोहन सुकुमार, जिनकी मिडनाइट्स मशीन 2019 में पब्लिश हुई और इनाम मिला 2019 में, और 16 स्टॉर्मी डेज 2020 में पब्लिश हुई बाय त्रिपुर दमन सिंह. बोथ बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया. 2019 में ये अवार्ड डिजिटली अनाउंस किया गया था, लेकिन लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से ये अवार्ड दिया नहीं जा सका, जो कि इस बार दिया गया. आइए इन दोनों किताबों का एनालिसिस करते हैं. पहली 16 स्टॉर्मी डेज, ये वो कहानी को हमारे सामने डिटेल रखकर बताती है. दैट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज पास्ड इन जून 1951. इसकी खास बात यह है कि ये पास हुआ अंडर ट्रेमेंडस अपोजिशन विद इन एंड विदाउट द पार्लियामेंट. एक ऐसा सब्जेक्ट जो आजाद हिंदुस्तान में ट्रेमेंडस और फियर्स पार्लियामेंट्री डिबेट की वजह बना. ये एक पाइवोटल मोमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री का. फर्स्ट अमेंडमेंट ने नई उपलब्धियां हासिल की. To curb the freedom of speech, public order, interest of the security of the state or relations with foreign states, enabling caste-based reservation in education by restricting freedom against discrimination, right to property ke limitations isne set kiye, isne validate kiya zamindari abolition ko, aur finally it created a special schedule where laws could be placed to make them immune of the judicial challenge. Even if they violated the fundamental rights. ये ऐसा amendment था जो Indian Constitution के लिए बहुत ही जबरदस्त और tremendous था. त्रिपुर दमन सिंह की ये किताब इन्हीं debates को highlight करती है और उनके in-depth analysis में लेकर जाती है. वो British Academy postdoctoral fellow हैं at the Institute of the Commonwealth Studies in the University of London. वो fellow रह चुके हैं Royal Historical Society and also the fellow of the Royal Asiatic Society. सिंह ने इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल डिबेट के अराउंड, पॉलिटिकल नरेटिव के अराउंड सराउंड करती हैं, जिसमें इंपीरियल सॉवरेनिटी एंड द लोकल पॉलिटिक्स, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से 2019 में छपी है, और दूसरी जो हाल ही में हार्पर कॉलिंस ने 2021 में छापी, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया. अब आइए दूसरी किताब की तरफ, मिडनाइट मशीन, अरुण मोहन कुमार की एक शानदार किताब. ये एक ऐसे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की तरफ रोशनी डालती है जिसके बारे में बहुत कम डिस्कस किया जाता है. अगस्त 15, 1947 को इंडियन स्टेट ने एक इम्पॉर्टेंट काम अपने हाथ में लिया, अंडरटेकिंग टू इन्फ्लुएंस व्हाट द सिटीजंस थॉट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इट्स प्लेस इन द सोसाइटी. टेक्नोलॉजी को लेकर इंडियन सिटीजंस की कैसी समझ बनेगी और आगे इसकी क्या रूपरेखा इंडिया में होगी, उसके बारे में ये किताब बात करती है. ये किताब बताती है एक ऐसे रिटोरिक के बारे में जहां बहुत सारे वर्चुज और वाइसेस अबाउट टेक्नोलॉजी आर बरीड इन द ग्रिम रियलिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि इंडिया की इनएबिलिटी टू डेवलप एनीथिंग एट होम ड्यूरिंग दोज टाइम्स. और इसी समय पर पॉलिटिकल क्लास कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस जनरल पब्लिक को दे रही थी. एक तरफ तो वो इंडिया के लोगों से ये चाहती थी टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, और दूसरी तरफ इट वॉज वेरी ऑफ बिकमिंग एनस्लेव टू टेक्नोलॉजी. ये एक ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन थी जो कि बहुत थ्रिलिंग थी. देश नई उपलब्धि तो हासिल कर रहा था, जैसे द स्पेक्टेकल ऑफ अ स्पेस लॉन्च, लेकिन उसी के साथ साथ लोगों को यह कहा जा रहा था, फ्रूगल एम्ब्रेस जुगाड़, एम्ब्रेस फ्रूगल इनोवेशन, और एम्ब्रेस कीजिए
आर्ट ऑफ स्मॉल थिंकिंग को। ये वो कंट्रास्टिंग चीज़ें हैं जिसके बारे में ये किताब बात करती है। ये एक ऐसे समय के बारे में बात करती है जहाँ देर वॉज अ फेलियर ऑफ बिल्डिंग कंप्यूटर्स, और इसी को किसी तरह से हम मास्क कर रहे थे जुगाड़ से, और हमने कंप्यूटर्स को ना बनाने की हमारी एबिलिटी को एक नए मास्क के अंदर छुपा लिया। 1970s में हमने ये कहा कि अरे ये तो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जॉब जजलिंग मशीन्स हैं, इनकी हमको क्या ज़रूरत है। लेकिन जब ये नई मशीन्स आई और अगले ही डेकेड में गवर्नमेंट ने लोगों से कहा कि अब इस नई टेक्नोलॉजी, इस कंप्यूटर को एम्ब्रेस करो, तो गवर्नमेंट वॉज फेस्ड विथ फियर्स रेजिस्टेंस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है टेक्नोलॉजी और इंडिया की। ये किताब हमको बताती है कि क्यों, वाई इंडिया एम्ब्रेस्ड और रिजेक्टेड न्यू टेक्नोलॉजीज। और इन्हीं डिस्कशंस और हिस्टोरिकल नैरेटिव से हमको ये बात समझ में आएगी कि कैसे हम धीरे धीरे एडवांस होते हुए 21st सेंचुरी में दाखिल हुए। अरुण मोहन सुकुमार PhD कैंडिडेट हैं फ्लेचर स्कूल से एट टफ्ट यूनिवर्सिटी। वो लॉयर हैं बाय ट्रेनिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेलो हैं ऑफ अ थिंक टैंक दैट इज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल ऑन द डिजिटल इकोनॉमी एंड सोसाइटी फ्रॉम 2016 टू 2019। ये दो किताबें बहुत ही एक्सेलेंट रीड हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में हमको एज सिटीजन्स मालूम होना चाहिए। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ़ सो डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।